भैया। जैसे ही देखा आगे बढ़ करके गए, इधर तो प्रभु श्री राम से सावतारी लक्ष्मण बाग में फूल तोड़ रहे हैं और उधर देखा कि तले सखियन का संग जानकी और फूल बाग में आई और युद्ध बगिया के बीच में बैठे राम लखन थे, दौड़ करके आई और सीता जी से बोली, अरे सुनो रे गुइया भैया। जैसे ही सुना प्रभु राम आए, इधर से सीता जी आगे बढ़ी, उधर से प्रभु राम आगे बढ़ के आए। जब राम ने सीता को देखा, सीता ने राम को देखा, तो एक दूसरे को देखते के देखते ही रह गए। ऐसे देख रहे हैं, किसी गूंगे इंसान को मिठाई खिलाओ फिर उससे पूछो भैया कैसी लगी, तो स्वाद बता लेगा, नहीं बता पाएगा। प्रभु श्री राम देख रहे हैं, सीता जी भी देख रही है। कभी तो कहता है कि बंध गए में और चित्त चोर आप चित्त चोर जैसे ही देखा एक दूसरे को देखते रहे काफी देर तक। अब सीता की सखियां सीता से बोले, क्यों सीता पूजा नहीं करोगे क्या? हाँ, लक्ष्मण राम से बोले, क्यों भैया शायद भूल लेने आए थे तो अब तोड़ लिए हो तो फिर चल। आज प्रभु श्री राम वहां से लौट करके चले गए। इधर मैया सीता ने गिरजा माँ की पूजा की, दोनों हाथ जोड़ एक बात की, माँ राम देखने में तो बड़े छोटे हैं पर धनुष बहुत भारी है, अगर वो धनुष टूटे तो हमारे राम के हाथों से टूटे, वरना मैं किसी के साथ शादी करना नहीं चाहूंगी। आज गिरजा माँ ने वरदान दिया, जाओ बेटी सीता, धनुष टूटेगा तो प्रभु राम के हाथों से ही टूटेगा। आज गुरुदेव जी
प्रभु श्री राम से अवतारी लक्ष्मण को लेकर के जैसे ही आए अयोध्या वो जनकपुरी में, और जैसे ही देखा तो जनकपुरी एक दुल्हन की तरह सजी हुई थी, बड़ी अच्छी लग रही थी। और इधर प्रभु श्री राम को जैसे ही देखा